प्यारे भक्तों, आशीर्वाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट। मैंने महाशिवरात्रि में आप सब लोगों की पूजा करी थी महाकाल मंदिर में। बाबा महाकाल से अपने तमाम भक्तों के लिए जो देश में और दुनिया के हर कोने में रहते हैं, उनकी सुख शांति के लिए, उनके हर काम इस वर्ष पूरा हो, इसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी। और आशा है भगवान शिव बाबा भोलेनाथ आप सबको आशीर्वाद देंगे। दूसरा, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने तमाम भक्तों का जो देश में विदेश में सब जगह रहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरा ये हाथ में थोड़ा, होटल में हम खाना खाने गए थे तो सीढ़ी में पांव फिसल गया, तो ये रिस्ट की हड्डी में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया। तो काफ़ी लोगों ने मुझे शुभकामना दी, मेरे लिए प्रार्थना करी। एक ग्रीस में हमारा भक्त है, उसने हमारे लिए एक कविता भी लिखी भेजी हमारे लिए ठीक होने की। एक स्विट्ज़रलैंड में हमारी भक्तनी है निर्मला सोलंकी जी, उन्होंने भी एक कविता लिख के भेजी। मैं तमाम भक्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सब लोग मेरे लिए इतना सोचते हैं। आप सब लोगों की प्रार्थना से मेरा हाथ काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, और आप लोगों की प्रार्थना से और भगवान के आशीर्वाद से जल्दी मेरा प्लास्टर उतर जाएगा। इसके लिए मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मैं शनिवार है तो आज मैं शनि की साठ सती के बारे में ही आपसे कुछ बात करना चाह रहा था, इसलिए मैं आज आपको सिर्फ शनि की साठ सती के बारे में ही बताऊंगा। शनि की साठ सती जो होती है वो साढ़े सात वर्ष की होती है। तो शनि की साठ सती के बारे में लोगों के मन में बहुत वहम रहते हैं कि बड़ी ख़राब होती है, शनि में बहुत नुकसान हो जाता है। तो शनि जो होता है ना, शनि देव जो है वो न्यायाधीश बोलते हैं इसको। शनि जो है उसको सब ग्रहों का न्यायाधीश बोलते हैं, मतलब जज है ये। ये शनि की साठ सती या शनि इतना ख़राब नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने शुक्र की महादशा में आपको बहुत अच्छा लग्जरियस लाइफ इस्तेमाल करी, आपने भोग विलास सब काम करे, सब तरीके से आपने पूरी ऐश करी, उस समय में आपने कुछ भगवान का नाम नहीं लिया, कोई दान पुण्य नहीं किया, तो शुक्र के काम में जो आपने ओवर जितना ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा आपने काम करा, कुछ गलत काम भी करे, तो उसका फल जो है ना शनि की साठ सती में मिलता है। इसी तरह गुरु में आपने नौकरी में अच्छा काम करा, कुछ किसी से रिश्वत ले ली हो, कुछ कर दिया हो, या फिर गुरु में क्या होता है कभी कभी आदमी को खाने का बहुत मन करता है, उसमें ओवर ईटिंग हो जाती है, उसमें फिर शनि के टाइम पे आके उसका पेट खराब हो जाता है। इसी तरह बुध में आप व्यापार कर रहे हो, किसी के पैसे रोक लिए हो, कुछ नहीं हो, तो शनि जो है ना देखता है कि आपने बुध के, आपने बुध की दिशा में क्या करा, आपने राहु की दिशा में क्या करा, आपने राहु की दिशा में कोई झाड़ू वाड़ू दान करा कि नहीं करा, अपना बाथरूम धोया कि नहीं धोया, तो शुक्र की दिशा में आपने क्या क्या काम करे, उन सारे ग्रहों का वो लेखा जोखा शनि जो है पहले चेक करता है, उसके बाद वो उसकी सजा देता है। तो शनि जो बेसिकली खुद ख़राब नहीं है, पर उसको जब शनि की साठ सती आती है तो बाकी ग्रहों के आपके जो कर्म होते हैं ना उसको देखकर वो न्याय देता है, उसका फैसला करता है। जो न्याय है ना, ये शनि का जो न्याय है उसको भगवान भी रोक नहीं पाया। आप हैरान होंगे जब भगवान रामचंद्र पे शनि की साठ सती थी तो उनको 14 वर्ष का वनवास हो गया, उनको वनवास में जाना पड़ा। इसी प्रकार जब कृष्ण जी पे शनि की साठ सती थी तो उनको मथुरा छोड़ के द्वारका जाना पड़ा। और रावण जो था ना, वो खुद बहुत बड़ा ज्योतिष था, रावण जो था बहुत बड़े ज्योतिषी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसने क्या करा, शनि को कैद कर लिया, शनि को कैद करके उल्टा टांग लिया, अपने कैद बंदी में कर लिया कि शनि की साठ सती का मेरे असर नहीं होगा। पर हनुमान जी का भला हो जिसने, भगवान हनुमान जी ने रावण की कैद से शनि को छुड़ाया और उसको याद करा, और शनि की ही उसकी जो साठ सती थी उसी दिशा में उसने रामचंद्र जी से युद्ध किया, जिसका उसको फल मिला जो आप सबको मालूम है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शनि की साठ सती जो है वो न्यायाधीश, शनि जो देवता है वो न्यायाधीश का काम करता है। आपने जिस ग्रह में जैसे कर्म करे हैं, अगर अच्छे कर्म करे हैं शुक्र में, मंगल में, बुध में, गुरु में, राहु में, केतु में, उसकी वो लेखा जोखा देखता है, उसका वो हिसाब लगाता है, फिर उस हिसाब से अच्छा या बुरा फल देता है। इसको बोलते हैं शनि की साठ सती, साढ़े सात साल रहती है। और शनि की साठ सती से बचने के लिए मैं कुछ कुछ उपाय आपको बताता हूँ। जिन लोगों को शनि की साठ सती आती है तो एक तो वो महीने में एक बार जरूर शनि मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक दीपक जरूर लगाएं,
दीपक लगाने के बाद ये मंत्र पढ़ें, ओम शनियाय नमः, या ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनियाय नमः, या ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर ओम हंग हनुमंताय नमः, ये मंत्र का उच्चारण करें। इस प्रकार से शनि की सरस्वती जिनके है, महीने में एक बार कभी काला छाता दान कर दिया शनि मंदिर में जाकर, कभी काला कंबल दान कर दिया, कभी काले प्लास्टिक के जूते दान कर दिए, तो ये शनि का से अच्छा फल मिलेगा। और जो लोग लोहे का काम करते हैं, दूसरे काम करते हैं, वो शनि का घोड़े की नाल का छल्ला पहन लें, अपने दुकान पे या फैक्ट्री में घोड़े की नाल लगा लें उल्टी करके, और कच्चे कोले काले कपड़े बांध कर 5 बार अपने सिर से ऐसे निकाल के फिर वो वहाँ प्रवाह कर दें अपना चलते पानी में, तो शनि की सरस्वती का काफ़ी असर खत्म हो जाता है। और जो ऑफिसर लोग हैं जो ये काला कोले का काम नहीं कर पाते, जो मंदिरों में जाने से भी दीपक वगैरह लगाने का टाइम नहीं मिलता, तो उनको क्या करना चाहिए कि अपने घर के किसी गमले में शनिवार के दिन आधा चम्मच सुरमा लेके उसको गड्ढा खोद के अपने गमले में गाड़ दें, उसके ऊपर 2 चम्मच दूध चढ़ा दें और एक दीपक लगा दें। और जो बहुत बड़े ऑफिसर लोग हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, तो वो 1/2 इंच x 1/2 इंच ब्लैक कार्बन पेपर काट के अपने पर्स में रख लें, तो उसका शनि की सरस्वती का असर कम हो जाएगा। इसी प्रकार से शनिवार को अगर आप शनि मंदिर में जाकर 7 या 8 लोगों को खाना खिला देंगे और कुछ काली वस्तु का दान कर दीजिए, जैसे काली उड़द की दाल होती है, काले तिली होती है, या तिली के लड्डू होते हैं, इनका दान कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जिन पे शनि की सरस्वती के कारण बीमारी वगैरह ज़्यादा चल रही हो, तो वो शनिवार को अपने दाहिने पांव के अंगूठे में 40 दिन के लिए काला धागा बांध लें, और जितनी उनकी लंबाई है सर से पांव तक 4 शनिवार काला धागा नाप कर पीपल के पेड़ के बांध के आएँ, तो उनकी सेहत को काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आप शनि की सरस्वती से बचना चाहते हो तो आप ये उपाय करोगे तो आपको बहुत फल मिलेगा। मैं आपको ये फिर समझा दूँ कि शनि की सरस्वती जो है वो शनि न्यायाधीश का काम करने के कारण आपके बाकी जो कर्म होते हैं ग्रहों के, शुक्र दिशा में, गुरु दिशा में, मंगल दिशा में, उसका फल देता है वो। इसलिए शनि खुद इतना बुरा नहीं है, तो जिसका शनि अच्छा हो तो पॉलिटिकल लाइफ में बहुत बड़ा ऊँचे चला जाता है, क्योंकि शनि अच्छा हो लोहे के काम, फैक्ट्री का काम, कारों का काम, ऑटोमोबाइल का काम बहुत अच्छा हो जाता है, तो इन सब कामों में शनि का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप ये मेरे सिंपल उपाय आप करोगे तो शनि की सरस्वती के अंदर जो 7.5 साल की होती है इसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और अभी वैलेंटाइन डे भी आया था तो मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, काफ़ी मैंने लोगों के उपाय भी बताए काफ़ी लोगों को, तो वैलेंटाइन डे तो मोहब्बत का है, तो उसके लिए मैं एक दो शेर सुनाता हूँ आपको कि मैंने रंगीन बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने रंगीन बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने महूम सितारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तुझे मेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अशकों की कतारों में तुम्हें देखा है। तो मोहब्बत तो जो ऐसी होती है कि इसका तो कोई वो नहीं होता है, कोई इसका सीमा नहीं होती, समुंदर से है, समुंदर में कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे मोहब्बत में भी कुछ दिखाई नहीं देता है। वो एक पूरा बहुत पुराना शेर है, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और मोहब्बत जो होती है ना वो कम लोगों में और हजारों लाखों में, लैला मजनू, शरीफ राज, रोमियो जूलियट होते हैं, मतलब मोहब्बत के लिए कुछ चंद दिल मकसूख होते हैं कि वो नगमा है जो हर साज में गाया नहीं जाता, कि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि मोहब्बत कर ले। तो मुझे गुरु लोगों ने पूछा था, गुरु जी आपके चोट लगी हुई है फिर भी आप रूटीन की तरह काम कर रहे हो, कोई आप टेंशन में दिखाई नहीं देते, उनको मैंने शेर सुनाया था कि हजूम गम मेरी फितरत बदल नहीं सकता, हजूम गम मेरी फितरत बदल नहीं सकता, मैं क्या करूँ मेरी आदत है मुस्कुराने की, क्या करूँ मेरी आदत है मुस्कुराने की, और हादसों के जज्बे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों के जज्बे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जल जलों के डर से कि हम घर बनाना छोड़ दें। तो दोस्तों मेरा मतलब यह है कि दुख तकलीफ तो कर्म के हिसाब से हर एक आदमी को आती है, हमें भी आई थी, पर आप लोगों की शुभकामना से, आप लोगों की प्रार्थना से, प्रभु के आशीर्वाद से काफ़ी हद तक मेरी तबीयत ठीक हो गई है। और कुछ भक्तों ने मुझे बोला, गुरु जी आप सब लोगों के दुनिया के दुख अपने ऊपर ले लेते हो, इसलिए कभी आपको सब दुखों का सिमरन जब कभी निचोड़ होता है तो आपको भी थोड़ा कष्ट सहना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, भक्तों के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार रहता हूँ। आपको कभी भी कोई काम करना हो, मेरे से पूछना हो,
तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9827030415, दूसरा नंबर है 9302230415, आप कभी मेरे से बात कर सकते हैं। मेरे पास एक सिया संगी, एक उसको पंजाबी में गिदर संगी बोलते हैं, एक नई चीज़ हमने पूजा करके बनाई है, उसके बारे में आप मेरे से पर्सनली बात करोगे तो मैं बताऊँगा। इस पर व्हाट्सएप पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एक बार फिर मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, नए वर्ष की बधाई देता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर, ऑल द बेस्ट टू माई, आई सैल्यूट बाई ऑल द डिसाइपल्स।